तैनात करेगा। शुरू में पाकिस्तान इन प्रस्तावों को मानना नहीं चाहता था, परंतु अंत में समझाने बुझाने पर दोनों देशों ने एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1949 की मध्य रात्रि को युद्ध विराम हो गया। समझौते के अनुसार संयुक्त राष्ट्र आयोग की शर्तों को माने जाने के बाद जन्म संग्रह करवाया जाना था। जिस समय युद्ध विराम लागू हुआ, हमारी सेना शत्रु को पूरी तरह निकाल फेंकने वाली थी। ऐसे अवसर पर युद्ध विराम स्वीकार करना सेना को अच्छा नहीं लगा। यदि थोड़ा समय और मिल जाता तो भारतीय सेना सारा प्रदेश शत्रु से खाली करवा लेती। युद्ध विराम रेखा, जो अब नियंत्रण रेखा कहलाती है, वहाँ पर स्थित है जहाँ युद्ध बंद हुआ था। इसके अनुसार कश्मीर का लगभग 32,000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, जिसे उसने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। राज्य की कुल संख्या, कुल 80 लाख जनसंख्या में से 7 लाख पाकिस्तानी कब्जे में रह गए। संयुक्त राष्ट्र आयोग ने यह सिफारिश की थी कि युद्ध विराम लागू करने में यदि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय चेस्टर निमिट्ज करेंगे। उन्हें जनमत संग्रह अधिकारी नियुक्त किया गया था। भारत ने इस पूरे प्रश्न पर को सुरक्षा परिषद के सम्मुख फिर से पेश किया। चेस्टर निमिट्ज पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेना वापस बुलाने के लिए सहमत नहीं करा सके, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। मैकनॉटन प्लान 1949 के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि पाकिस्तान का अपने अधिकृत क्षेत्र से सेनाएं वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं था। सेनाओं की वापसी के बिना जनमत संग्रह हो ही नहीं सकता था। दिसंबर 1949 में स्वेच्छा परिषद के प्रधान कनाडा के जनरल मैकनॉटन थे। उन्होंने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अनुसार पाकिस्तान और भारत दोनों की सेनाओं को कश्मीर से वापस बुलाना था। इस प्रकार जनमत संग्रह के लिए कश्मीर का असैनिकरण करने का प्रस्ताव था, परंतु इस योजना का यह एक प्रमुख दोष था कि आक्रमण करने वाले पाकिस्तान और उसके शिकार भारत दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया। यहाँ पाकिस्तान ने पहले आक्रमणकारियों का समर्थन किया और फिर स्वयं आक्रामक बना। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेनाएं महाराजा की सिफारिश पर रक्षा के लिए भेजी गई थी। भारत ने यह कार्य राज्य के औपचारिक विलय के बाद ही किया था। अतः भारत ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। भारत के प्रतिनिधि BN राव ने स्वेच्छा परिषद में कहा कि आज स्थिति यह है कि पाकिस्तान, जो कि 1948 में कहता रहा कि उसने आक्रमण करने वालों को या आजाद कश्मीर की सेनाओं को कोई सहायता नहीं दी थी, वह अब स्वयं आक्रामक है और बिना किसी अधिकार के राज्य के लगभग आधे भाग पर उसका कब्जा है। यह एक ऐसा नग्न आक्रमण है जिसका कोई भी अनुमोदन नहीं करता, परंतु मैकनॉटन योजना में उसे अस्वीकार करने का कोई संकेत नहीं था। डिक्सन प्रस्ताव, द डिक्सन प्रपोजल्स। मैकनॉटन योजना के विफल होने के बाद स्वेच्छा परिषद ने 24 फरवरी 1950 को प्रस्ताव किया कि 5 महीने के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों की सेना कश्मीर से वापस बुला ली जाए ताकि जनमत संग्रह करवाया जा सके। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का कार्य ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश सर अवन डिक्सन को सौंपा गया। मई के अंत में डिक्सन उप महाद्वीप पहुँचे, तभी सभी सैनिकों की वापसी के बारे में कोई समझौता ना हो सका और डिक्सन के प्रयास विफल हुए। भारत ने सेनाओं को इसलिए वापस नहीं बुलाया क्योंकि भारत तो आक्रामक नहीं था और उसकी सेनाएँ अपने देश के एक भाग में पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भेजी गई थी। डिक्सन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि अक्टूबर 1947 में कवायलियों और मई 1948 में पाकिस्तानी सेनाओं का कश्मीर में प्रवेश अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवहेलना थी। करीबी डिक्सन ने यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध विराम रेखा को आधार मानकर कश्मीर राज्य का विभाजन कर दिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कश्मीर घाटी में उसका भविष्य तय करने के लिए जन्म संग्रह करवाया जाए। भारत को यह प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। स्वयं डिक्सन ने अपनी गलती महसूस की और त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीधी वार्ता को सुझाव दिया। द ग्राहम मिशन डिक्सन के प्रस्तावों की असफलता के बाद लंदन में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन में कश्मीर समस्या के समाधान की एक और कोशिश की गई, इसमें सुझाव दिया गया कि पहले कश्मीर का असैनिकरण करवाया जाए और फिर यह मामला पंच अर्बिट्रेशन के लिए सौंप दिया जाए। भारत ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस बीच शेख अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के चुनाव का निर्णय किया। इससे पाकिस्तान परेशान हो गया और उसने एक बार फिर फरवरी 1951 में कश्मीर का प्रश्न स्वेच्छा परिषद में उठाया। परिषद ने ब्रिटेन और अमेरिका के एक संयुक्त प्रस्ताव को स्वीकार करके डिक्सन के स्थान पर एक नए मध्यस्थ नियुक्ति
का निर्णय किया। इसके अनुसार अमेरिका के डॉक्टर फ्रैंक टी ग्राहम को भेजा गया। उन्होंने दो देशों के बीच बातचीत करके जर्मन संग्रह से पहले असैनीकरण का नया सुझाव दिया, परंतु इस विषय पर कोई समझौता न हो सका कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कितनी सेनाओं को रखना उचित होगा। अतः ग्राहम ने भी त्यागपत्र दे दिया और दोनों देशों के प्रत्यक्ष बातचीत करने का सुझाव दिया। ग्राहम मिशन की असफलता के साथ ही कश्मीर के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को स्थगित कर दिया गया। ग्राहम के सुझाव के अनुसार भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की कई मुलाकातें हुई। उन्होंने तय किया कि कश्मीर में 1954 में जन्म संग्रह करवाया जाए, परंतु जन्म संग्रह प्रशासक के नाम पर कोई फैसला न हो सकने के कारण जन्म संग्रह हो ही नहीं सका। इसके पश्चात 1957 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि गुन्नार जारिंग ने भारत और पाकिस्तान की यात्रा के बाद सुरक्षा परिषद को बताया कि 1948 के युद्ध विराम समझौते के बाद इतनी घटनाएं घटी थीं कि अब जन्म संग्रह प्रस्ताव को लागू करवा सकना असंभव हो गया था। उसने संयुक्त सुरक्षा परिषद को याद दिलाया कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते तुरंत लागू नहीं किए जाते, उन्हीं उनको बाद में लागू करवा सकना कठिन हो जाता है क्योंकि परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। इस प्रकार लगभग 50 वर्ष बाद भी पाकिस्तान ने कि अपनी सेनाएं कश्मीर से वापस न बुलाने के कारण जन्म संग्रह हो ही नहीं सका। इस बीच जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने, जिसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था, 6 फरवरी 1954 को भारत में कश्मीर के विलय का अनुमोदन कर दिया। कश्मीर के लिए जो संविधान बनाया गया उसमें राज्य को भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया। इस प्रकार कश्मीर की जनता की इच्छा को मालूम करने का वचन पूरा हो गया। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उसने जनता की इच्छा के अनुसार 26 जनवरी 1957 को विलय को अंतिम रूप दे दिया। पाकिस्तान ने सेना वापस नहीं बुलाई, इसलिए जन्म संग्रह नहीं हो सका, परंतु संविधान सभा के द्वारा जनता ने महाराजा के विलय के निर्णय का समर्थन कर ही दिया। कश्मीर विवाद की प्रकृति। द नेचर ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। जम्मू कश्मीर की समस्या इतनी उलझी हुई है कि 50 वर्षों के लंबे समय में भी उसका कोई हल नहीं निकल सका। वर्नर लेवी ने कहा था कि दोनों राज्यों का आधार ही संघर्ष में निहित है। ये रमण पिल्ले के अनुसार भारत के लिए, जो कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य में विश्वास करता है, कश्मीर इस बात का महत्वपूर्ण प्रदर्शन है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान, जो कि इस्लामी गणराज्य होने का दावा करता है, उसके लिए कश्मीर को प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस राज्य में मुसलमान बहुत संख्या में हैं और पाकिस्तान मुसलमानों के अलग राष्ट्र के होने में विश्वास रखता है। अब भारत पाकिस्तान दोनों के लिए कश्मीर एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। पाकिस्तान का मुख्य तर्क है कि प्रस्तावित जन्म संग्रह भारत की हट धर्मीकरण नहीं हो सका। दूसरी ओर भारत का तर्क 1948 के युद्ध विराम समझौते के अनुसार पहली शर्त थी कि पाकिस्तान की सेनाओं की वापसी। पाकिस्तान ने इसे पूरा नहीं किया। साथ ही भारत पर पाकिस्तान के ने 1965-1971 में युद्ध थोप दिया और फिर 1989 से कश्मीर में आतंकवाद फैलता गया। भारत यह नहीं मानता कि उसने अपना कोई वादा तोड़ा है, क्योंकि राज्य की चुनी हुई संविधान सभा ने भारत में राज्य के विलय को स्वीकार किया है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से 1996 में भी समस्या यह थी कि जन्म संग्रह अवश्य होना चाहिए, चाहे वे अपने आज़ाद कश्मीर क्षेत्र से सेना हटाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का विश्वास है कि यदि आज 1997 में जन्म संग्रह होता तो कट्टरपंथी बहुमत के कारण कश्मीर अवश्य पाकिस्तान के पक्ष में मत देगा। भारत की दृष्टि से समस्या केवल इतनी है कि पाकिस्तान कश्मीर एक तिहाई से अधिक भाग पर गैरकानूनी कब्जा बनाए हुए है, जो उसे छोड़ना होगा। साथ ही भारत संचार का ध्यान कश्मीर में आतंकवाद की ओर दिलाता रहा है, जिसको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था। पाकिस्तान के तर्क। पाकिस्तान आर्गुमेंट। कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की मांग के समर्थन में पाकिस्तान सरकार ने समय समय पर कई तर्क दिए हैं। पहला, दो राष्ट्रों के सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान का तर्क है कि कश्मीर में मुसलमानों की काफ़ी अधिक जनसंख्या होने के कारण उसका स्वाभाविक स्थान पाकिस्तान में है। ब्रिटिश भारत के विभाजन का आधार यही था कि मुस्लिम बहुसंख्या वाले प्रांतों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान का ही अंग होना चाहिए। दूसरे, यह तर्क दिया गया कि पाकिस्तान में बहने वाली 3 नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का उद्गम कश्मीर में है। पाकिस्तान की कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है, इसलिए भी कश्मीर को पाकिस्तान का अंग होना चाहिए। यदि कश्मीर में कोई अमैत्रीपूर्ण सरकार बनती है तो पाकिस्तान में पानी नहीं आने देगी तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। इन नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए बहुमूल्य है, इसलिए उनकी उद्गम को भारत में नहीं रहने दिया जा सकता। परंतु पानी के बंटवारे के संबंध में 1961 का समझौता होने के बाद इस तर्क का कोई मूल्य नहीं रह गया। इसे पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ पाकिस्तान पर निर्भर करती है।
कश्मीर के अधिकतर प्राकृतिक उत्पाद विशेषकर लकड़ी का प्रमुख बाजार पाकिस्तान में था। कश्मीर को अधिकतर खाद्य पदार्थ पाकिस्तान भेजता था। इस प्रकार पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की आर्थिक निर्भरता एक दूसरे पर थी। पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करने रखने पर दोनों की अर्थव्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। चौथे, भौगोलिक तौर पर कश्मीर पाकिस्तान के काफ़ी निकट है। पाकिस्तान का तर्क है कि कश्मीर की काफ़ी लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ मिलती है, जबकि केवल 30 मील का एक टुकड़ा कश्मीर को भारत के साथ जोड़ता है, इसलिए भी कश्मीर को पाकिस्तान में होना चाहिए। अंतिम पाकिस्तान की सैनिक शक्ति के लिए कश्मीर बहुत उपयोगी है। ना केवल पाकिस्तानी सेना में बड़ी संख्या में कश्मीरी जवान थे, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा की रणनीति भी कश्मीर को पाकिस्तान के अंग के रूप में रखनी थी। कश्मीर को भारत में छोड़ना पाकिस्तान के लिए खतरनाक है। भारत की स्पष्ट स्थिति, इंडियाज़ क्लियर पोजिशन। भारत ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को कभी नहीं माना। भारतीय नेता ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अवश्य दो राज्य होने चाहिए। भारत की प्रतिबद्धता धर्मनिरपेक्षता के प्रति है। विभाजन के समय धर्म के आधार पर जनसंख्या की अदला बदली का कोई विचार नहीं था, परंतु पाकिस्तान में अधिकतर अल्पसंख्यकों को अपने घर और संपत्ति छोड़कर भारत आना पड़ा था। भारत धर्म को राज्य का आधार बिल्कुल नहीं मानता है। भारतीय सेनाओं ने देश का विभाजन अहिंसा को रोकने के लिए स्वीकार किया था, धर्म के आधार पर नहीं। इसलिए कश्मीर को बहुसंख्यक लोगों के धर्म के आधार पर पाकिस्तान का भाग नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान का यह तर्क है कि उसकी 3 मुख्य नदियों का उद्गम कश्मीर में है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में केवल झेलम कश्मीर से निकलती है। सिंधु सतलुज का उद्गम चीन में होता है। इसके अतिरिक्त यह ध्यान देने योग्य है कि देशों की सीमा कभी भी नदियों के स्रोतों के आधार पर तय नहीं की जाती। यूरोप में अनेक ऐसी नदियाँ हैं जो विभिन्न देशों में से होकर बहती हैं, इसलिए पाकिस्तान के दावे का कोई महत्व नहीं है। पारस्परिक आर्थिक निर्भरता, कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को उचित नहीं ठहरा सकती। पाकिस्तान और भारत की एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता कश्मीर और पाकिस्तान की पारस्परिक निर्भरता से कहीं अधिक है। वास्तव में तर्क भी निराधार है, क्योंकि संसार के सभी देशों की एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ रही है। इसी प्रकार पाकिस्तान के तर्क की कश्मीर की अधिकतर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, इसलिए उसे पाकिस्तान का भाग होना चाहिए। यह बहुत तर्क है। अगर बात मान ली जाए तो बहुत सारे देश अपनी स्वतंत्रता खो बैठेंगे। पाकिस्तान का यह कहना कि उसकी रक्षा के लिए बहुत से सैनिक कश्मीर से लिए जाते हैं भी अर्थहीन है। पाकिस्तान की एक मजबूत सेना है जिसका कोई भी संबंध कश्मीर की सीमित आबादी से नहीं हो सकता। कश्मीर की समस्या का स्वरूप, द नेचर ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। भारत की विदेश नीति के अनुसार जम्मू कश्मीर के संबंध में विवाद केवल इतना है कि उस राज्य का एक तिहाई भाग पाकिस्तान के कब्जे में है, जो कि भारत को वापस मिलना चाहिए। कश्मीर के महाराजा की इस अभिलाषा ने कि वह एक स्वतंत्र देश का शासक होगा और निर्णय करने में देरी ने कश्मीर की समस्या को जन्म दिया। भारत कभी भी कश्मीर को हड़पना नहीं चाहता था। यदि महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947 में कोई भी निर्णय ले लेते, चाहे वह पाकिस्तान में विलय का निर्णय क्यों ना होता, तो यह समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। यहाँ तक कि सरदार पटेल भी इस बात के बहुत इच्छुक नहीं थे कि मुस्लिम बहुलता बहुमत वाला कश्मीर अवश्य भारत का अंग बने। इसलिए पाकिस्तान का यह आरोप कि भारत कश्मीर को हड़पना चाहता है निराधार है। कश्मीर के महाराजा ने भारत में विलय की प्रार्थना उस समय की जब कबायली आक्रमण हो चुका था। भारत ने विलय की स्वीकृति उस समय दी जब आक्रमण करने वाले श्रीनगर के निकट आ गए थे। महाराजा हरि सिंह ने केंद्र के प्रतिनिधि बीपी मेनन से प्रार्थना की भारतीय सेना तुरंत भेजी जाए, वरना उन्हें पाकिस्तान की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत ने अपनी सेना उस समय भेजी जब विलय की औपचारिकता पूरी हो गई। उसमें हमने ऊपर कहा है कि राज्य की संविधान सभा ने 1954 में विलय का अनुमोदन कर दिया। भारत सरकार ने पहली गलती है कि विलय की शर्त के रूप में जन्म संग्रह का प्रस्ताव कर दिया। हमारी सरकार की दूसरी गलती यह देखिए, जब हमारे जवान शत्रु को पराजित करने वाले ही थे, उस समय हमने युद्ध विराम मान लिया और कश्मीर का लगभग 30,000 वर्ग मील क्षेत्र पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर के रूप में रह गया। 1950 के दशक में पाकिस्तान ने अमेरिका के सैनिक गठबंधनों में शामिल होने का निर्णय किया। पाकिस्तान को शायद यह आशा ही नहीं थी कि कबायली आक्रमण के बाद भारत कश्मीर की सहायता के लिए पहुंच जाएगा। पाकिस्तान की अपेक्षा थी कि आक्रमण होते ही कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। जब विवाद उठ खड़ा हुआ तो माउंटबेटन ने कहा कि बल का प्रयोग पाकिस्तान ने पहले किया था, इसलिए वह आक्रामक था। और तब तक समय जिन्ना ने यह भी सुझाव दिया कि यदि भारत कश्मीर से अपनी सेना हटा ले तो वे 24 घंटे के अंदर कबायलियों को वापस बुला लेंगे। कश्मीर पर आक्रमण के बाद जब भारत की सेना उसकी रक्षा के लिए भेजी गई तो गांधी जी ने यह कहकर समर्थन किया कि
अगर देश की सारी सेना भी कश्मीर की रक्षा के लिए भेजनी पड़े ऐसा करना उचित होगा, परंतु उन्होंने सुरक्षा परिषद में कश्मीर को उठाने का कड़ा विरोध किया था। जब 1953 में केंद्र सरकार को शेख अब्दुल्ला की नियत पर शंका होने लगी तो उन्हें कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर बंदी बना लिया गया। उस समय अचानक पाकिस्तान के शेख अब्दुल्ला के प्रति हमदर्दी दिखानी शुरू की। कश्मीर की समस्या 50 वर्ष से विश्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है और भारत पाकिस्तान संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ ने लिखा है कि कश्मीर समस्या पाकिस्तान के दो राष्ट्रों के सिद्धांत की महत्वपूर्ण परीक्षा है। अनेक विद्वानों ने कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए समय समय पर सुझाव दिए हैं। बीबी दत्त के मत में पाकिस्तान के लिए मूल प्रश्न यह है कि धर्म के आधार पर कश्मीर पाकिस्तान का भाग होना चाहिए, जो स्वयं एक इस्लामी राज्य है, परंतु भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उसकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई आँच ना आ जाए। कश्मीर भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। अब जब 1957 में कश्मीर की संविधान सभा द्वारा राज्य का संविधान स्वीकार करने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र में फिर से उठाया, तब पाकिस्तान के प्रतिनिधि फिरोज खान नून ने यहाँ तक कह दिया कि कश्मीर भारत का एक सैनिक अड्डा बन गया था, जहाँ प्रत्येक 12 वयस्कों के पीछे एक जवान तैनात था। नून ने यह भी कहा कि कश्मीर संविधान सभा ने लोकतंत्र का धोखा किया और भारत को उस कश्मीर का विलय कराने का कोई अधिकार नहीं था। इसके उत्तर में भारत के वी के कृष्णा मेनन ने सुरक्षा परिषद में 8 घंटे तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर करार झूठ की। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा केवल इतना है कि भारत के एक राज्य पर आक्रमण किया गया। यह प्रश्न किसी देश की भूमिका का नहीं था, भारत तो केवल आक्रमण समाप्त करवाना चाहता था। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्ष भारत में इस्लाम कई धर्मों में से एक है, केवल इसलिए कि कश्मीर राज्य में मुसलमान बहुसंख्यक हैं और राज्य पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान 1997 के शुरू में भी कश्मीर को भारत पाकिस्तान संबंधों का मूल प्रश्न कह रहा था। कश्मीर में 1989 से 1996 की अवधि में आतंकवाद के फलस्वरूप हजारों लोग मारे गए और कई लाख हिंदू पंडित अपने घरों से भागकर अपने ही देश में दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। भारत पाकिस्तान संबंध 1965 से के युद्ध तक, इंडो पाक रिलेशंस टिल 1965 वार। पाकिस्तान ने 1954 में पश्चिमी गुट के साथ सैनिक गठबंधन किया और उसने दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन C2 और फिर बगदाद पैक्ट में शामिल होने का निर्णय किया। इन संगठनों का उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो सैनिक सहायता दी वह केवल साम्यवाद के विरोध के लिए थी। अमेरिका ने भारत को आश्वासन दिया था कि उसके द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, परंतु व्यवहार में पाकिस्तान ने इन हथियारों का प्रयोग 1965-1971 में केवल भारत के ही विरुद्ध ही किया। भारत ने अमेरिका से कहा था कि यदि अमेरिका पाकिस्तान को सैनिक सहायता देगा तो कश्मीर समस्या और भी उलझ जाएगी। ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने भारत की आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य भारत के विरुद्ध नफरत का प्रचार करना था और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय करवाना ही रहा है। एमएस राजन का विचार है कि पाकिस्तान विश्व राजनीति के मंच पर भारत को बदनाम करने के लिए ही कश्मीर के प्रश्न को बार बार उछालता है। पाकिस्तान प्रश्न को इस दृष्टि से देखता है कि कोई देश कहां तक कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का साथ देता है, अर्थात पाकिस्तान की विदेश नीति में कश्मीर से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। एक समय पर पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों को साम्यवाद का डर दिखाकर यहाँ तक कह दिया कि वह स्वयं साम्यवादी गुट में शामिल हो जाएगा। उसने यह प्रचार किया कि यदि कश्मीर समस्या का उचित समाधान नहीं हुआ तो कश्मीर में और सारे भारत में साम्यवाद छा जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून ने मार्च 1958 में अपने संसद में बोलते हुए कहा था कि नेहरू कश्मीर समस्या को उलझाए रखकर पूरे उपमहाद्वीप को उपहार के रूप में साम्यवाद की भेंट कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी कि यदि कश्मीर की समस्या का समाधान वहाँ की जनता की इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो इसका एक ही परिणाम होगा, कश्मीर साम्यवादी गुट में चला जाएगा। विदेश नीति में पाकिस्तान का एक ही उद्देश्य था कि भारत को नीचे दिखाया जाए। अतः जब भारत ने इस क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को रोकने की चेष्टा की तो पाकिस्तान ने विदेशी हस्तक्षेप को प्रोत्साहन किया। भारत को कमजोर रखने के लिए पाकिस्तान ने पहले एक महाशक्ति के साथ गठबंधन किया, फिर दूसरी शक्ति से मित्रता करनी चाहिए, फिर वह तीसरी शक्ति के साथ हो गया। पाकिस्तान ने उस अमेरिकी सैनिक गुट का साथ दिया जो साम्यवाद के विरोध में बनाया गया था और अमेरिका से $30 करोड़ के साथ साथ
शस्त्र अस्त्र खरीदे जिनमें आधुनिक लड़ाकू हवाई जहाज उत्तम टैंक इत्यादि शामिल थे। जब इनकी सहायता से पाकिस्तान को कश्मीर नहीं मिला तब उसने चीन के साथ मित्रता की और चीन ने उसे आर्थिक और सैनिक सहायता के रूप में इनाम दिया। पाकिस्तान ने सोवियत संघ को भी यह कहकर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया कि यदि रूस भारत को समझा ले तो पाकिस्तान स्वयं सोवियत संघ के साथ मित्रता कर लेगा। जब पाकिस्तान को यह विश्वास हो गया कि भारत उसके सामने झुकने वाला नहीं था और उपमहाद्वीप में शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर भारत के पक्ष में हो गया था, तब पाकिस्तान ने अमेरिकी सैनिक संधियों में शामिल होकर बनावटी शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की। जब 1960 के दशक में पाकिस्तान ने यह अनुभव किया कि केवल सैनिक संधियों से उसका हित पूरा नहीं होगा, तब उसने सोवियत संघ के प्रति अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाया। परंतु पाकिस्तान से गलती यह हुई कि उसने भारत को सोवियत संघ से अलग करने का प्रयास किया, उसे सफलता नहीं मिली। इस स्थिति में पाकिस्तान ने साम्यवादी चीन के साथ मित्रता की। उस समय भारत और चीन के संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे, इसलिए जब पाकिस्तान ने चीन के साथ मित्रता करनी चाहिए तब चीन ने इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। पहले चीन कश्मीर के प्रश्न पर भारत विरोधी नहीं था, परंतु अब उसने पाकिस्तान के पक्ष में बोलना शुरू करके दबाव डालना शुरू कर दिया है। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब पाकिस्तान ने अपने नए मित्र को पूरा समर्थन प्राप्त प्रदान किया। जब ब्रिटेन और अमेरिका ने भारत को सहायता की पेशकश की तब पाकिस्तान ने खुलकर इसका विरोध किया। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत को न केवल पश्चिमी देशों से बल्कि सोवियत संघ ने से भी नैतिक और सैनिक सहायता प्राप्त हुई। इससे परेशान होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने राष्ट्रपति कैनेडी ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकमिलन से भारत को सहायता न देने का आग्रह किया। अयूब ने नवंबर 1962 में एक पत्र में यह कहा कि उपमहाद्वीप की गंभीर हालत के लिए नेहरू की विदेश नीति उत्तरदायी थी। उन्होंने यह तर्क दिया कि नेहरू की विदेश नीति चार प्रमुख मुद्दों की ओर संकेत करती थी। वे थे साम्यवादियों का तुष्टिकरण, गुटनिरपेक्षता का झंडा उठाना ताकि समाजवादी देशों को पसंद किया जाए और गैर साम्यवादी को उलझन में डाल दिया जाए, पाकिस्तानी को धमकी देकर उसे राजनीतिक तौर पर अलग थलग करके आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए, पश्चिमी देशों और विशेषकर अमेरिका की आलोचना की जाए चाहे उसका कोई कारण ना भी हो। पाकिस्तान के इस रवैये के बावजूद नेहरू ने अयूब खान के भेंट से भेंट की और एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने भारत पाकिस्तान विवादों को शांतिपूर्वक सुलझाने के लिए बातचीत करने का निर्णय किया। इसके पश्चात मंत्री स्तर की दो बैठकें हुई और फिर मार्च 1963 में कलकत्ता में शिखर सम्मेलन हुआ। इससे पूर्व पाकिस्तान और चीन ने एक समझौता किया जिसके अनुसार कश्मीर का कुछ भाग जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में था चीन को दे दिया गया। ऐसा करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं था, फिर भी उसने चीन से मित्रता बढ़ाने के लिए कश्मीर का एक भाग उसे दे दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला जिनको 1953 से नज़रबंद रखा गया था 1964 में रिहा कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के शेष भारत के साथ मजबूत संबंध रखने की बुनियाद रखी थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने भारत विरोधी दृष्टिकोण अपनाया और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग शुरू की। पाकिस्तान ने उनका खुलकर समर्थन किया। उन्होंने नेहरू से भेंट की और फिर अयूब खान से मिलने पाकिस्तान गए। उनका तर्क था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो जाते तब तक कश्मीर की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उसके तुरंत बाद नेहरू की मृत्यु हो गई और अब्दुल्ला खान के प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला। कच्छ का विवाद, द डिस्प्यूट ऑफ रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रन गुजरात सिंध सीमा पर स्थित है। यह कच्छ नामक देसी राज्य का भाग था और कच्छ का भारत में विलय हुआ तो यह भारत का अंग बन गया, परंतु पाकिस्तान ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि 3,500 वर्ग मील का क्षेत्र वास्तव में सिंध प्रांत का भाग था और उसे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। भारत ने यह दावा स्वीकार नहीं किया और अप्रैल 1965 में भारत पाकिस्तान सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं में मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान की सेना की दो डिवीजनें कच्छ के क्षेत्र में आ गई। भारत ने इस प्रकार के आक्रामक कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की थी। जून के अंत तक लड़ाई होती रही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन के प्रयासों के बाद युद्ध विराम हुआ और यह तय हुआ कि दोनों देशों की सेनाएं 1 जनवरी 1965 की स्थिति में वापस चली जाएं।
यह भी तय हुआ कि कच्छ के रण की समस्या पंच निर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण को सौंप दी जाए। न्यायाधिकरण का निर्णय 1968 में हुआ। न्यायाधिकरण ने कच्छ के रण का लगभग 90% कच्छ के रण का लगभग 90% भारत में रहने दिया और शेष 300 वर्ग मील पाकिस्तान को सौंप दिया। इस पंच निर्णय की भारत में कठोर आलोचना हुई, परंतु 1965 में दिए गए प्रश्न के अनुसार भारत ने यह फैसला स्वीकार कर लिया। कच्छ पर हुए आक्रमण के समय पाकिस्तान ने खुलकर उन अस्त्रों का प्रयोग किया जो उसे दक्षिण एवं पूर्व संधि संगठन सीटू तथा अमेरिका से प्राप्त हुए थे। जब पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए बाध्य किया गया और पंच निर्णय के लिए मामला भेजा गया तो पाकिस्तान की काफ़ी निराशा हुई और अब उसने कश्मीर को अपना निशाना बनाया है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1965 में जो युद्ध हुआ उसने यह सिद्ध कर दिया कि भारत प्रत्येक दृष्टि से पाकिस्तान से श्रेष्ठ था। कच्छ के संकट के समय सोवियत संघ ने तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इस युद्ध में आमतौर पर सोवियत संघ का झुकाव भारत की ओर था। अब फिर भी सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन उस समय पाकिस्तान को भी खुश करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने अयूब खान को सोवियत संघ की यात्रा पर बुला लिया और मित्रता का प्रयास किया था। कोसिगिन ने कहा था कि भारत पाकिस्तान संघर्ष का मूल कारण हथियारों की आपूर्ति नहीं वरन यह तो पश्चिमी देशों की साम्राज्यवादी नीति थी जिसने संघर्ष जारी रखा हुआ था। पाकिस्तान सोवियत वार्ता से भारत के नेतागण स्वाभाविक रूप से परेशान हुए। उस समय सोवियत संघ का दृष्टिकोण पाकिस्तान के साथ मैत्री करने का था और पाकिस्तान को हथियार देने की बात भी सोच रहा था। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सोवियत संघ की यात्रा की। उन्होंने सोवियत देश नेताओं को दक्षिण एशिया की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया और भारत को सोवियत संघ द्वारा मिलने वाली सहायता की को जारी रखने की प्रार्थना की, परंतु सोवियत नेताओं ने शास्त्री को विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान के साथ सोवियत संघ के संबंध मधुर होने से भारत के साथ उसकी मैत्री में कोई कमी नहीं आएगी। शास्त्री की मास्को यात्रा अधिक सफल नहीं हुई। उसी समय पाकिस्तान ने शांति भंग करने और पाकिस्तान और भारत के विरुद्ध युद्ध आरंभ करने की योजना बनाई। पाकिस्तान ने कश्मीर में 4 अगस्त 1965 में हजारों सैनिकों को बिना वर्दी की युद्ध विराम रेखा के इस पार पाकिस्तान में भेजना शुरू कर दिया। ये घुसपैठिए चीन में गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किए गए थे। ये भारत में हिंसा फैलाने, तोड़फोड़ करने और राज्य की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भेजे गए थे। योजना यह थी कि जब पाकिस्तान के सैनिक वर्दी में आक्रमण करेंगे तो ये घुसपैठिए उनकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। उन्हें कश्मीर की स्वतंत्रता का युद्ध शुरू करना था। जैसे कि घुसपैठिए कश्मीर में पहुँचे, पाकिस्तान रेडियो ने घोषणा की कश्मीर के लोगों ने विद्रोह कर दिया है। श्रीनगर रेडियो स्टेशन और हवाई अड्डा मुजाहिद दोनों के नियंत्रण में आ गए थे और श्रीनगर का पतन होने वाला था। यह सब सफेद झूठ था सिवाय इसके कि घुसपैठियों ने हिंसा फैलाना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही भारतीय सेना ने उनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी की और बड़ी संख्या में उन्हें मार दिया गया या पकड़ लिया गया। सेना ने पता लगा लिया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसपैठियों के अड्डे कहाँ पर थे। भारत ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर करने का निर्णय किया। अगस्त के तीसरे सप्ताह एक कारगिल सेक्टर में 3 पाकिस्तानी अड्डों को छीन लिया गया। कुछ दिन बाद चितवाल सेक्टर में 2 अड्डे अपने अधिकार में ले लिए और फिर भारतीय सेना ने उड़ी पूंछ सेक्टर में हाजीपीर पर भी अधिकार कर लिया और इसने पाकिस्तान में आने वाली घुसपैठियों के सारे रास्ते बंद कर दिए। इस सब की सूचना कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र के सैनिक पर्यवेक्षक जनरल नेम्मो ने महासचिव को दी थी।